a South Asian Canadian channel. सुखपाल सिंह खैरा अज नवजोत सिंह सिद्धू नूं पटियाला जेल चो मिलके बाहर आए ने ते उन्होंने मंग की है केंद्र ते पंजाब सरकार नूं कि 323 दे अधीन जिहड़ी है वह नवजोत सिंह सिद्धू नूं सज़ा जिहड़ी है वह की गई है कितने ना कितने उन्होंने यह रिलीफ जिहड़ी हैगी है वह पंजाब सरकार नूं दे देनी चाहीदी हैगी है। कल्ले मैं उन्होंने ही गल नहीं कर रहा कि 323 दे उत्ते जिन्ने भी व्यक्ति जिहड़े ने इस समय सज़ा कट रहे ने पंजाब दे विच उन्हां सारयां नूं जिहड़ी है वह रिलीफ दे देनी चाहीदी है क्योंकि कितना कितने नवजोत सिंह सिद्धू एक अजिहे परसन है जिन्हां नूं 323 दे अधीन जिहड़ा हैगा वह एक साल की जिहड़ी है वह सज़ा जिहड़ी है वह सुनाई गई है। इस दे नाल उन्होंने पंजाब दे मसलियां ते भी गल की है। पंजाब दे मसलियां दी जे गल करिए तां खासकर आम आदमी पार्टी दे दोहरे मापदंड नूं लै के जिहड़ी है उन्होंने गल की है। उन्होंने कहा है कि जो पहलां गल्लां करदे सन कि पंजाब दे विच वित्ती जिहड़ी हालात ने उन्हां नूं सुधार दित्ता जाएगा पर अज उन्होंने ही वित्त मंत्री जिहड़े ने वह कह रहे हैं कि खाली पीपा मतलब कि पंजाब का खजाना जिहड़ा हैगा वह खाली हैगा कितना कितने दोहरी जिहड़ी रणनीति जिहड़ी हैगी वह आम आदमी पार्टी पंजाब अते दिल्ली नूं लैके जिहड़ी है वह कर रही है। उन्होंने खास करके सतिंदर जैन की अते सिंगले की भी जिहड़ी है उन्हूं भी गल रखी है। उन्होंने कहा कि एक पास पंजाब दे विच सिंगले नूं जिहड़ी है वह सज़ा हो जाती है मतलब उन्होंने ज उन्हां ते मामला दर्ज किया जाता हैगा खुद आम आदमी पार्टी वल्लों ते दूजे पासे सतिंदर जैन नूं लै के वह लगातार कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जिहड़ा हैगा बेकसूर ठहराया जा सके। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नूं दोहरा मापदंड छड़ के पंजाब के लोगों के वल खास कर ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाहना कि बड़ी चढ़दी कला विच ने वेरी स्ट्रोंग विल्ड परसन एज ही इज किसी तरह का उन्होंने कोई शिकन नहीं गा और उन्होंने जो भी फैसिलिटीज जो जेल मैनुअल के अनुसार जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दित्तियां ने वो कोई कंसेशन नहीं सीक करते। जेडे भी उन्होंने जो मौजूदा सरकार ने जिदा भी उन्होंने उसनू जो हदायतें दित्तियां ने उसकी पालना हो रही अंदर बकायदा तौर पर एंड नीडलैस टू से लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। एक गल ला गया कि असी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का सत्कार करदे होया असी अज भी करते हैं पहला भी करते गां भी करांगे वो एक सज़ा कट रहे ने और मैं कहना चाहुंदा कि कुछ लोगों को इदा वहम भरम हुंदा जेलां बंदियां लई बणियां ने इत्थे कोई जानवर नहीं रहिंदे तरह तरह के लोग हुंदे ने लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप दे विच एक विलक्षण परसनैलिटी ने और दूजा कि थोड़ा जिहा मैनू भी जान के थोड़ी जी हैरानगी हुई है कि नॉर्मल कोर्स में बाहर एक परसैप्शन सी कि शायद जिहड़ा सैक्शन 304 है एक्सीडेंटल डैथ शायद उस दे नूं लैके ये सज़ा कट्टी जा रही है पर अज साडी जानकारी विच मैं सगो अपने आप नूं थोड़ा शर्मिंदा समझदा वा असी ये जानकारी हासिल हुई जिहड़ा वारंट आया इत्थे कस्टडी वारंट हुंदा जिहड़ा भेजदी है कोर्ट टू द जेल उहदे च आया कि सिर्फ सैक्शन 323 दे तहत यह सज़ा की गई है। ये अनप्रेसीडेंटड है शायद अगर अज 26,000 के करीब कैदी ने पंजाब दी जेलों में तुसीं जे थोड़ा जिहा तहकीकात करोगे लभोगे एक भी व्यक्ति नहीं गा जिहड़ा 323 दे विच एक साल कैद कट रहा वा। लैट मी रिपीट अगेन सब तो छोटे ऑफेंसिज ने सी आर पी सी दे ते आई पी सी दे सैक्शन 323 ते सैक्शन 324 323 ते 324 आम आप पिंडां च सुणदे आ ये थाने च ही अवेलेबल ने मौके पर जो कोई ऑफेंस कमिट भी हुंदा वा ये पुलिस स्टेशन में ही अवेलेबल है किसी अदालत में जाने की लोड़ नहीं होंदी उत्थे जमानत मिल जाती है। सो अज मैं दोबारा कह दिंदा कि सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू का जो कस्टडी वारंट हैगा वो 323 दे विच एक साल की कैद तो 1,000 रुपया जो जुर्माना वा। मैं फिर कह दिंदा कि 26,000 कैदी ने तुसीं एक बार वेरीफाई कर लियो या होर भी जिहड़े पहलां जेलों चो कट के गए हो कोई भी एक व्यक्ति 323 धारा दे विच एक साल की कैद नहीं कट रहा वा जेल विच नहीं गा। हैविंग सेड दैट असी फिर भी सत्कारयोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सत्कार करते हैं जो उन्होंने फैसला दे दिता वो दे दिता वा आने वाले आ छुट्टियां वगैरह खत्म होनगियां तो एक रिव्यू पटीशन पाई जाएगी। वी आर वेरी होपफुल कि उन्होंने जिहड़ा हैगा एक रीजनेबल अच्छी रिलीफ जिंदगी दे विच मिलेगी बिकॉज ही इज़ लाइक आई सेड अर्लीयर ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल। कई बार जिंदगी दे विच इस तरह कई कुछ हादसे वापर जाते हैं और वो हादसे का उन्होंने जिहड़ा ये सज़ा कट रहे ने। सो मैं एक मिनट उत्थे आ रहा वा तो मैं तो एक्चुअली उम्मीद ये करता सी कि जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट्स हुंदियां ने ना इन्हां दे कोल बहुत वास्ट पावर्स ने
जिहदा बंदा हार्ड एंड क्रिमिनल है उन्हूं तो जिन्नी मर्जी सज़ा कटाओ कोई हर्ज नहीं हुंदा, सोसाइटी तो उन्हूं बचना मतलब बचा सोसाइटी नूं उत्तों बचा के रखना। लेकिन इन द केस ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू आई थिंक जे मैं अपील ही कर सकदा वां कि स्टेट गवर्नमेंट अगर मुनासिब समझे तो इन्हां नूं उह इदां दा सेंटेंस रिमिट कर सकदी आ। वह अगर चाहुण तां तुसीं पिछे झात मार के देखो स्टेट गवर्नमेंट्स ने मर्डर्स दे विच, मैं दोबारा कह रहा कतलों के लोगों नू पार्डन ग्रांट किया हो, पार्डन ग्रांट किया हो, ऑन रिकॉर्ड कह रहा वा। मैं हूँ एग्जैक्टली वो पुलिस वाले का नाम नहीं चेते आ रहा, पिछली सरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मैं अपोज किया जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन सेगा, एक पुलिस ऑफिसर सेगा, ही वॉज रिस्पोंसिबल फॉर किलिंग पीपल इन फेक पुलिस इनकाउंटर, उन्होंने लाइफ सेंटेंस हुई सी। वो गैर पंजाब का सीगा, रहने वाला यूपी साइड का कोई पुलिस ऑफिसर, मैं नाम भुल गया, तुसी आप थोड़ा रिसर्च करोगे। कैबिनेट ने उसकी कतल की सज़ा नू रिमिट किया सीगा, उन्हें पार्डन ग्रांट किया सीगा। एक पासे वो आदमी है जिहड़ा केवल 323 दे विच एक साल की सज़ा कट रहा वा, जिहड़ा चार बार मैंबर पार्लीमेंट रहा वा, जिहड़ा पंजाब का एक मिनिस्टर है, चुके चलो वो भी छड्ड दिओ पोलिटिकल छड्ड दिओ कॉन्ट्रीब्यूशन, ही इज बीन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन फॉर द कंट्री, ही हैज़ डन इंडिया प्राउड इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट एंड ही हैज़ प्लेड थ्रूआउट द वर्ल्ड। एक आदमी का योगदान भी देखो ना, उसकी सज़ा तुम देख रहे हो 323 च, एक आदमी का योगदान इस देश के वास्ते की है कि उसने क्रिकेट के मैदान के उतर के कई मल्ला मारियां, देश के वास्ते पंजाब के वास्ते मारियां, साडा आ जिहड़ी पग बन्नी असी अज उहदी शान नवजोत सिंह सिद्धू ने दुनिया भर च वधाई है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे थोड़ा फराक दिली दिखावे तो ये कुछ भी नहीं गा। और मैं तो कहना इस तो अगे भी चल जाने आप, एक सिंपल ऑर्डर पास किया जा सकता कि 323 दे विच अगर कोई कैद कट रहा वा तो सारयां नूं रिमिटेंस दित्ती जाए, सब नूं कल्ले नवजोत सिंह से, क्योंकि 323 तो छोटा ऑफेंस इत्थे है ही नहीं गा। और मैं दोबारा रीइटरेट कर देना कि 26,000 अगर कैदी आ पंजाब दीआं जेलां विच, एक भी आदमी 323 दे विच सेंटेंस नहीं गा। सो एनीवेज हैविंग सैड दैट, असीं मिले हाँ बड़े गुड स्पिरिट विच ने, गुड स्पिरिट्स विच ने, और हर पक्ष तो बिल्कुल चढ़दी कला दे विच ने। सो मैनूं खुशी होई है कि असीं अपने कोलीग नूं आण के मिले हैं, और मैं समझदा कि साडा सब दा फर्ज है कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइनस, किसी भी इंसान की मुश्किल घड़ी दे विच सब नूं साथ देना चाहिए वा, और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुछ लोग हर गल विच मजाक उड़ाते हैं, तो पार्टी ने साथ देगी, और नहीं अगर कोई कमी रहेगी तो उन्होंने हुण अगे मूहरे आण के देना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े साडे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, वो भी इत्थे मुलाकात करके गए ने, और मैं अपनी पार्टी को भी कहूँगा कि इट्स आ पार्टी खड़ी साड़ी सारी इन आवर ऑफ क्राइसिस, हर एक आदमी नूं अच्छे जिहड़े थोड़े जिहे रखते हैं जज्बात रखते हैं अपनी जिंदगी दे विच, जिहड़े लोगों के अंदर कोई जिन्हां दी जमीर जागदी आ, इस औखी घड़ी में सबनों साथ देना चाहिए। देखो मैं जे पंजाब सरकार की कारगुजारी की गल करा, तुसी मेरे नाल एक गल की सहमति प्रगटाओगे कि 3 महीनों के किसी सरकार का ग्राफ एडा तेजी नाल नीचे गिरा नहीं गिरया होगा जिन्ना इस पार्टी की सरकार का गिरया वा। तुसी संगरूर चल जाओ, कल का सीएम का रोड शो उत्थे लोगों का विरोध हो रहा है, वो फ्लॉप शो से खाली सीगा, उत्थे सारे धरनाकारी जिहड़े भगवंत सिंह मान कहिंदे सी ना कि अकाली दल ते कांग्रेस वेले कुछ नहीं सी बदलदा, सिर्फ धरनियां दा स्थान बदलदा सीगा, अकालियां वेले बादल पिंड ते कैप्टन वेले पटियाला शहर, ते बिल्कुल उही होया ते हुण भी कुछ नहीं बदलिया, धरने वालिया दे स्थान बदले ने। हुण अज दी डेट विच लेटेस्ट कैपिटल धरनियां दा जिहड़ा वा संगरूर शहर ते भगवंत सिंह मान दा घर बन गया वा, बेरोज़गार अध्यापक बेरोज़गार टीच हर वर्ग के लोग बैठे ने। वो सिप्पी शर्मा याद करो, लड़की जिहड़ी केजरीवाल साहब ने सुहाणा पिंड की मोहाली की टैंकी तो लाई सी इलेक्शन वेले, ये कह के कि बेटा नीचे आ जा साडी सरकार बनन जा रही तेनू असी सब तो पहला नौकरी देंगे, वो सब तो हुण सब तो ज़्यादा प्रोटेस्ट करती हुई संगरूर दी पानी की टेंकी के उत्ते चढ़ी हुई है दोबारा इस गर्मी की हीट इस गर्मी के मौसम के। सो इस करके एक मिनट मैं कंप्लीट कर लें दो, किसानों दी आत्महत्या ज्योंदियां त्यों, केजरीवाल साहब कहते थे कि किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, अगे आ जाओ तुसी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां 24 घंटे कहते हल करांगे, असी कहने 24 घंटे नहीं 3 महीने हो गए ने, होर 3 महीने होर 6 महीने, वो भी कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो इन्हों का, मैं नहीं कह रहा उन्होंने अपना MLA
कुंवर विजय प्रताप सिंह जिहड़ा आम आदमी पार्टी का MLA और जिस बंदे ने सारी इन्वेस्टिगेशन करके पांच चलान पेश किए फरीदकोट की अदालत में ही इज सेइंग कि सरकार जी बेअदबियां के उत्ते संजीदा ने ड्रग्स तुसी मैनूं दस दिओ आप सारे तुसी टीवी दे इत्थे जर्नलिस्ट बैठे हो की जमीन ते ड्रग्स कटे ने किसी काम की गल की कमी चिट्टा वगैरह उहदा ज्यौंदा त्यों हैगा वा और इस तरह के नाल बेरोज़गारी अगर बेरोज़गारी खत्म हो जाती तो फिर उत्थे उन्हां नूं आम आदमी पार्टी के संगरूर के दफ्तर के बाहर थोड़ो धरने मारने पैने सीगे बेरोज़ कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते आत्मा वर्कर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बेतहाशा लोग दस दस पंद्रह पंद्रह हज़ार के साढ़े पंजाब के नौजवान अज भी पिछले तीन महीनों चो नौकरी की पक्के होने की उड़ीक बैठे ने सो मेरा सिर्फ सादे शब्दों से कहना वा कि देखो चुटकले सुनाने ऐलान करने वो गल अलग है लेकिन जमीनी हकीकत पंजाब की किसी तरह की नहीं बदली जेडे कहिंदे सी एक मिनट जेडे कहिंदे सीगे कि जो मनप्रीत बादल कहिंदा सी कि खजाना खाली है तो कहिंदे सी जी खाली तो खजाना थोड़ा हुंदा पीपा हुंदा हुण इहनां दे वित्त मंत्री उही शब्द वरते ने तां लोकां ने कहा कि हुण दस दिओ तुसीं इह खजाना वा कि पीपा वा सो देयरफोर इह सारी पोजिशन है इस वेले पंजाब दी खैर साहब मान साहब ने गल कही है कांग्रेस ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਥੋੜੇ ਮਾਲਕੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਨੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਸਟੇਟ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਲਓ ਸਾਲ ਲੈ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮੁਦਈ ਆ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਮੰਗਰ ਦੇਖਣੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੂਵਨ देर इज़ नो एविडेंस कि उसने पैसा किसी व्यक्ति तो लिया और जो तो शिकायत करता वा मैं लैट मी मेक माई स्टैंड क्लियर आई एम डेड अगेंस्ट करप्शन लेकिन जो शिकायत करता जो रजिंदर सिंह या जो भी व्यक्ति आ आई बिलीव कि वो खिलाफ करप्शन के केसिस वो दो बारी सस्पेंड होया डिपार्टमेंट चो ऑडियो असं कहें कि सिंगले की ऑडियो सुना दो बेचारे की कि कितने पैसे मंगता सगा छोटेपुर साहब के खिलाफ दो लख रुपये के इल्जाम ला के उन्होंने पोलीटिकल करियर तबाह करता इन्होंने लोगों ने ना उहदी ऑडियो स्टिंग दिखाया वीडियो स्टिंग ते ना हुण इहदा ऑडियो दिखा रहे इहदे मुकाबले ते मैं केजरीवाल साहब नूं पुछदा सतिंदर जैन उहदे ते हुण कही जांदे जी बेगुनाह बेगुनाह जी जदों अपनी पार्टी दा बंदा फस रिहा वा उदों कहिंदे बेगुनाह वा जदों ईडी किसे होर नूं गिरफ्तार करदी आ कहिंदे जी इह गुनाहगार आ सतिंदर जैन दे खिलाफ दो गल्लां सुण लो मेरे तों चंगी तरहां 16 करोड़ रुपया शैल कंपनीज़ आउट ऑफ दिस कंट्री फॉरन शोज तों ब्लैक मनी मनी लॉन्डरिंग ਉਹਦਾ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੰਬਰ 1 ਪਿੱਛੇ ED ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ 2.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਲੱਭਿਆ ਤੇ 2.25 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਟ ਲੱਭੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਜ਼ੀਟੇਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੇਡਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਚੰਦ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਸਿਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਪਰੈਂਟਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੈਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेतहाशा क्लीन चिट्स विदाउट प्रॉपर अप्रोप्रिएट इनक्वायरीज की, इन्हों को मौका मिल गया हूँ। और दूजी गल मेरी इंट्रस्टिंग सुनो, तुम बीजेपी तो आम आदमी पार्टी का कितना कि जड़ा रलेवा सहमति नज़र आ रही है कि लिस्ट पढ़ता वा भगवंत सिंह मान के फलाने आदमियों के नाम असी तैयार कर लेने, तो वह घूम के जाते सारे बीजेपी की झोली दे विच ने कि बीजेपी तो आम आदमी पार्टी स्टेट पावर नू लेके लोगों के नाम उजागर करके उन्होंने इंटीमीडेट करके बीजेपी की झोली भिजना, क्योंकि जिन्हें बंद नाम ले गए ने पिछे जे वो सारे बीजेपी के झोले में निकल। एक मिनट आ रहा मैं उत्थे देखो, दैट इज सारे देश में बहुत भारी विरोध हो रहा, बहुत भारी अगजनी हो रही है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज सड़ रही, सारा नौजवान देश का इस अग्निपथ की स्कीम का विरोध कर रहा वा। मैनू दुख अफसोस इस गल का कि सरकार उदा एक पासे कहिंदियां कि असीं जमहूरीयत नाल चलदियां वा, असीं जो लोग चाहुंदे उह कानून उहनां ते लागू करांगे, लेकिन जिहड़े लोग उस कानून के सख्त विरोध में खड़े ने बीजेपी नूं ये अपनी प्रपोजल अग्निपथ की वापस ले लेनी चाहिए है। बिल्कुल उदा ही हो रहा जिदा तीन काले कानून खेती के साढ़े तो थोपे सके, डेढ़ साल लोगों संघर्ष करना पाया, 700 जाना गई, फिर भी तो कानून वापस लेने। सो डेमोक्रेसी का बेसिक एसेंस दैट इट शुड बी गवर्न बाय द विल ऑफ द पीपल, वो कितना ना कि बीजेपी की सरकार इस वक्त उसनों पिछे छड़ रही। सुखपाल सिंह खहरा अज नवजोत सिंह सिद्धू नूं पटियाला जेल चो मिलकर बाहर आए हैं, तो उन्होंने मंग की है केंद्र ते पंजाब सरकार नूं कि 323 दे अधीन जिहड़ी है वह नवजोत सिंह सिद्धू नूं सज़ा जिहड़ी है वह की गई है, कितना कितने उन्होंने यह रिलीफ जिहड़ी हैगी है वह पंजाब सरकार नूं दे देनी चाहिए हैगी है। कल्ले मैं उन्हां दी गल नहीं कर रहा कि 323 दे उत्ते जिन्ने भी व्यक्ति जिहड़े ने इस समय सज़ा कट रहे हैं पंजाब दे विच, उन्हां सारयां नूं जिहड़ी है वह रिलीफ दे देनी चाहिए है, क्योंकि कितना कितने नवजोत सिंह सिद्धू एक अजिहे परसन है जिन्हां नूं 323 दे अधीन जिहड़ा हैगा वह एक साल की जिहड़ी है वह सज़ा जिहड़ी है वह सुनाई गई है। इस दे नाल उन्होंने पंजाब के मसलों पर भी गल की है, पंजाब के मसलों की जो गल करिए खासकर आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड लैके जिहड़ी है उन्होंने गल की है। उन्होंने कहा कि जो पहला गल्लां करदे सन कि पंजाब दे विच वित्ती जिहड़ी हालात ने उन्हां नूं सुधार दिता जाएगा, पर अज उन्हां दे ही वित्त मंत्री जिहड़े ने उह कह रहे ने कि खाली पीपा, मतलब कि पंजाब दा खजाना जिहड़ा हैगा उह खाली हैगा। कितना कितने दोहरी जिहड़ी रणनीति जिहड़ी हैगी उह आम आदमी पार्टी पंजाब अते दिल्ली नूं लैके जिहड़ी है उह कर रही है। उन्होंने खास करके सतिंदर जैन की अते सिंगले की भी जिहड़ी है उहनूं भी गल रखी है। उन्होंने कहा कि एक पासे पंजाब दे विच सिंगले नूं जिहड़ी है उह सज़ा हो जाती है, मतलब उन्होंने मामला दर्ज किया जाता है खुद आम आदमी पार्टी वालों, तो दूजे पासे सतिंदर जैन नूं लैके वह लगातार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जिहड़ा हैगा बेकसूर ठहराया जा सके। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नूं दोहरा मापदंड छड़ के पंजाब के लोगों के वल खासकर ध्यान देना चाहिए। पटियाला तो कैमरामैन आशू के नाल इंद्रजीत बख्शी, चैनल वाई दे लई, साउथ एशियन कनेडियन चैनल।